गणित की सेंटर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर पहले ही आ चुका है और आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि आप किसी भी प्रश्न को काफी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेट ए मिलेगा, सबको ए मिलेगा सेंटर परीक्षा में, आपको 138 प्रश्न पूछा जाएगा और इसी प्रकार से आपके फाइनल परीक्षा में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 30 सब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको आधे प्रश्न का ही जवाब देना है। 100 प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव में मात्र आधे का जवाब देना है और इसमें सब्जेक्टिव में भी आपको आधे प्रश्न का ही जवाब देना है। तो आइए देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफी शानदार आपका ये वीडियो होने वाली है, काफी जबरदस्त जो वीडियो छोड़ करके जाएंगे उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्लीज बच्चों, तो आप अंतिम तक जरूर इसे देखिएगा। तो सबसे पहला नवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी बढ़िया प्रश्न है कि 1/2 है 1, यह क्या है? आप सभी को पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, हमने आपको कई बार बताया है। चलिए तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद p इंटू x बराबर, अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्य को, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आप सभी जानते हैं कि c बट्टे a होता है, तो c का वैल्यूज यहाँ पे देखिए क्या है, तो 3 है, तो 3 है और 3/a, a का वैल्यू क्या है 1, तो 3/1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो ए नंबर में दिया गया आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो दिक्कत ना होगा और काफी जबरदस्त आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² + 5 √2x - 3 के शून्य कौन से हैं, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू आपको बताना है, शून्य का आपको बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आप लोग गुणनखंड विधि से अगर इसे निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, या फॉर्मूला कौन सा होगा आपको हेल्प कर देते हैं। x बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा -b + √bs² - 4ac / 2a, ये फॉर्मूला लगाइए और इस फॉर्मूले पर बनाएंगे तो यहाँ पे जो मान हो जाएगा वह निकल कर चला आएगा। आपको बता देते हैं यहाँ पे हिंट्स कर दिए, यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वह सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो जब आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को बता देंगे। फिलहाल आप सेंटअप का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिए और जाकर के आप फटाफट तरीके से उसमें आप जाकर क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। ठीक है, आपका जो सेंटअप एग्जाम है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और आगे से हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और जितना क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था बताया था सारा का सारा क्वेश्चन लड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह 15,870 है एवं उनका जो मसा है वह 23 है, तो उनका लसा क्या होगा? तो आपको हमने ये भी क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें आपको हम फॉर्मूला पढ़ाया था और बोले थे कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, देखिए यहाँ पर भी आ चुका है। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि लसा बराबर एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का यहां पे गुणनफल बट्टे में होता है आपका क्या चीज, आपका होता है मसा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है 15,870, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप 23 से भाग दे देना है आपको। ठीक है, जितना आपका यहाँ पे कटाएंगे जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या चीज, जब इसे आप भाग देंगे तो आएगा 690। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या पे है, ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप समझते रहेंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को मैथ जो है बड़ा कठिन लगता है, लेकिन देखिए मैथ कठिन नहीं है, काफी ईजी है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर जो है वह 2 है इंटू 3 का पावर 3 है और 5 का पावर 4 है, और यहां पे b बराबर दिया गया है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5। तो अब इसका ab का यहां पे मसा आपको बताना है कि ab का जो होगा यहां पे मसा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे इसे क्या कह रहा है और क्या यहां पे, ये काफी इजी है। देखिए a और b दोनों का यहां पे मान दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग को मसा निकालने के लिए क्या करना होता है, इसमें मैचिंग करना होता है, जो मैच करेगा वही हम लोग का मसा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 का पावर 2 यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, यही ना मैच करेगा, तो हम लोग का यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे मसा बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 2 यहाँ से मैच करेगा, उसके बाद से 3 का पावर 3 यहाँ पे या 3 का पावर 2 यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब कि 3 का पावर 2 यानी कि 3 का पावर 2 मैच करेगा। ठीक है, और यहाँ पे है 5 का पावर जो है, यहाँ पे है 5 का पावर 4 और यहाँ पे है 5, तो केवल 5 ही मैच करेगा। चलिए तो यहाँ पे हो गया इतना, अब इसको केवल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर जो है वह इजी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 = 4 इंटू 3 × 3 = 9 और गुणे कितना होगा 5, तो 5 में 4 से करेंगे 5 × 20 और उसके बाद से 20
20 में गुणा कर देंगे 9 से, 9 दुनिया 18 180, ठीक है, कितना हो जाएगा 180 आपका जो है सर आपका निकल कर चले जाएगा, ठीक है, केवल आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए जो मैच करता है वही आपका एचसीएफ होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, अगला नवा प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये बटा में दे दिया गया है 1/(x-1), ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि हम लोग का बहुपद कहता है कि वह जो एक्स का वैल्यूज हो वो बटा वगैरह में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सभी का, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे प्रश्न क्या है आपका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है कि समीकरण निकाय x+2y-8=0 और 2x+4y=16 है, 16 का है, यह कौन सा हल है, इसमें आपको हल बताने का, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, या फिर इनमें से कोई हल है, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करना होता है। देखिए यहाँ पे a1/a2 हम ज्ञात करेंगे, a1/a2 तो a1 का यहाँ पे मान 1 है और a2 का मान यहाँ पे क्या है 2 है, यानी कि a1/a2 हम लोगों का निकल गया। चलिए अब b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 निकालेंगे, b1 का मान क्या है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे b2 का मान क्या है 4, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे c1/c2 अब निकालेंगे, तो जो c1/c2 निकालेंगे ये आपका ध्यान से देखिएगा, ये बराबर के इस साइड है, इसमें क्या है बराबर के इस साइड है, मतलब बराबर के दूसरे साइड है, और ये बराबर के ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब कि ये आपका बाया पक्ष में, इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा अब, और 8/ क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, कटाएंगे इसे भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि हम देख रहे हैं कि तीनों का तीनों आपस में बराबर है, यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा अनंत हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर का बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया सारा का सारा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है बताया है, तो टोटल वीडियो देखें तो दिक्कत नहीं होगा, और गजब तरीके से तैयारी कीजिए, एकदम धमाल मचाने वाला तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। समय काफी कम है बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आपकी भविष्य की सवाल है यार, आप मेहनत कीजिए प्लीज, हम हमारी तरफ से जितनी मेहनत हो रही है, हमने आपके लिए किताब लिख चुका है, मेरी वेबसाइट है नीचे डिस्क्रिप्शन में यूर लिंक है, इसका सबका हम वहां पे भी आपको आंसर दे दिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट, मतलब पूरी तरीके से मेहनत की जा रही है, ठीक है। फिलहाल आइए बात करें बिना समय को, मतलब समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। यदि किसी द्विघात बहुपद के सुनकों का योगफल 4 है और गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है कि x² ध्यान दीजिएगा, और फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा ना तो समझिए कि काफी जबरदस्त जो होगा वो आपका रिजल्ट आएगा, x²-α+β (x) + α(β) होती है, तो यानी कि x² का माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 4 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया 1 दिया गया है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा x²-4x+1, कहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नवा प्रश्न देखिए, अगला नवा प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरणों का निकाय 4x+ky+8=0 एवं 2x+2y+2=0 का एक अद्वितीय हल हो तो k का वैल्यूज आपको यहाँ पे ज्ञात करना, तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, हमेशा यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए आपको क्या करना, a1/a2 करना होता है, a1 का मान यहाँ पे 4 है और a2 का मान क्या है 2 है, बराबर b1/b2 k, आप बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर नहीं होता है b1/b2, तो क्या हो जाएगा b1/b2 का मान क्या यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब इसको तीरे गुणा करेंगे, ठीक है, तो 4 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 2 में k से करेंगे क्या हो जाएगा 2k, ठीक है, बराबर नहीं है 8, ठीक है, यानी कि 8, अब k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर नहीं है 8/2 यानी कि हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर नहीं है 4, यानी कि क्या हो जाएगा k बराबर नहीं है 4, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपका फॉर्मूला आपको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर हो, देखिए आपका आंसर यार बी नंबर सबसे ज्यादा हो रहा है, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघात समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है, ax² + bx, व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c, यानी कि इस रूप का होना चाहिए तो ही जाकर के क्या होगा वह द्विघात वह समीकरण होगा, यानी कि ax² के रूप में, ये देखिए ये आपका रूट जो है वह यहाँ पे x जो है वो रूट में दे दिया गया तो यह होगा नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हुए ये भी होगा नहीं, और ये देखिए ये आपका अब फिर से यह x² में आएगा ना जब इसे हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन ये वाला हम लोग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ से निकल करके चला आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा।
अगला नया प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या होगा। ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन में काफी बच्चे परेशान है, तो देखिए काफी इजी तरीके से आप बना लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव है तो इसमें जितना छोटा मेथड लग सके वही आप यूज कीजिएगा, इससे ही समय बचेगा। ऐसा नहीं कि पूरा प्रोसेस से बनाइएगा और तभी आंसर आएगा, तब करेंगे तब तो बाबू ये गड़बड़ हो जाएगा। हम भी कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जब आपको बताएं तो थोड़ा शॉर्ट मेथड से बताएं, ताकि वही आपके दिमाग रहे और आपका समय बचे और आप रिजल्ट आपका बेहतर तरीके से आ जाए, आप कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन को कर सके। तो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका एक समीकरण यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि मूल व्युत्क्रम है, आप सभी को पता है कि जो मूल होता है वो अल्फा इंटू बीटा भाई अल्फा और बीटा होते हैं। तो अगर एक मूल यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं एक्स, तो दूसरा मूल इसके क्या होगा, व्युत्क्रम यानी कि 1/x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से कटाएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, जिसके केवल यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब आप सभी को जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या होता है, वो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यहाँ पे जो होगा वो अल्फा बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या बीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और इसमें एक फॉर्मूला लगता है सी बटे ए। ठीक है, इसका जो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है तो इसका फॉर्मूला क्या लगता है, सी बटे ए। सी बटे ए बराबर अब 1 हो जाएगा, जब सी बटे ए बराबर 1 हो गया तो आप यहाँ पे तीजा गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, सी बराबर अब ए हो जाएगा, क्योंकि सी में 1 से गुणा करेंगे तो सी हो जाएगा और 1 में ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि सी बराबर ए हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप मेथड को समझे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसको चुटकियों में बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। योग का मतलब जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज बताना है। तो आप सभी को एक रूल पता है कि माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे b का वैल्यू है 6 माइनस 6। ठीक है, और a का वैल्यू है 1, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6/1। तो 6/1 कितना होता है, 6 ही होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आगे से वीडियो मिल पाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि x बराबर अगर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा मतलब रहेगी, मतलब कि x बराबर का 6 है तो इसका अगर हम लोग आरेख खींचते हैं, मतलब आलेख अगर खींचते हैं तो ये किस प्रकार से रहेगी, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो सपोज मान लीजिए आपका एक तल हो गया। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि इस तल में जो है वो ऊपर आपका y होता है, नीचे आपका माइनस y होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ आपका माइनस आपका x होता है, यहाँ पे कह रहे हैं x बराबर 6 यानी कि प्लस वाला में। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि आपका 6 है, तो 6 है जब यहाँ पे हम इसका आलेख खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये y अक्ष के समानांतर होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि ये y अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा। अगला देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, और आप लोग याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और जाकर के आप सेंटअप एग्जाम में इसको धमाल मचा दीजिए। ठीक है, और जो बच्चे परीक्षा देकर आ चुके हैं वो चेक कर लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा निकाय x अक्ष पर एक बिंदु है, यो x अक्ष पे होनी चाहिए। तो x अक्ष पे का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि x का मान कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए और y का मान 0 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ए में क्या दिया गया, x का मान यहाँ पे जो है वह 2 दिया गया है और y का मान 0 दिया गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं x का मान 0 कर दिया गया, जो कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का मान दे दिया गया जो कि गलत कर दिया गया है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं तो हो रहा है नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर इस तरीके से आंसर हो जाएगा। देखिए हर तरीके से आप दिमाग लगाइए, हम कोशिश करते हैं कि आपका पूरे तरीके से समय बचाएं और उस तरीके से पढ़ाएं, उस ट्रिक से पढ़ाएं जिससे कि आपका तैयारी हो जाए। इसीलिए तो मेरा चैनल नंबर बना हुआ था और इस साल भी आप लोग नंबर 1 बनाएंगे बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके दोस्तों में शेयर करेंगे और उन्हें भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वभौमिक डी है तो एपी का nवां पद क्या होता है। तो ये तो आपका फार्मूला ही है यार, इसमें तो कोई सोचने वाला बात नहीं कि a plus n minus 1 into d ही होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, चलिए तो ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है जिससे कि दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन, और जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन ये लड़ा हुआ है क्वेश्चन। देखिए और यहाँ पे भी तीसवा पद पूछ रहा है, तो इसका भी ट्रिक है। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10.7.4 का तीसवा पद क्या होगा। देखिए इसको याद करने के लिए क्या करना होता है, देखिए पहले जो दिया गया होगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस कर लीजिएगा, और जितना पद पूछेगा उसमें से एक घटा दीजिएगा, हो जाएगा 29 हो जाएगा, और उसके उसमें गुणा कर दीजिएगा डी से। डी का मतलब क्या है, सार्वभौमिक से। तो सार्वभौमिक क्या निकलेगा, यहाँ से आपका 7 में से 10 जाएगा, क्या होगा, माइनस का 3 होगा। ठीक है, अब बस अब इसको जोड़ घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे तो 29 में माइनस 3 से करेंगे कितना होगा, 87 जी, और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ देंगे तो माइनस 87 है तो 10 प्लस में कितना होगा, माइनस का 77। तो माइनस का 77 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कौन क्वेश्चन सेट किया है यार, केवल बी ही आंसर आ रहा है,
क्वेश्चन को ध्यान से सेट, देखिए सेट करते हुए कभी कभी क्या होता है, टीचर को भी कुछ भी सेट करते हैं, देखिए बिहार बोर्ड में क्या हुआ कि अक्सर जो है इसमें बी नंबर जो सही हो रहा है, जो बच्चे केवल बी को टिक करके आ जाएंगे उनका ही काफी बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर देख रहे हैं इसमें ज्यादा बी सही हो रहा है। अगला कि समानांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में 5 में पदों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे पदों की संख्या आपकी पूछ रही है, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है यहाँ पे एन का वैल्यूज आपके लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन की वैल्यूज अगर पूछ रही है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कई तरीके की तरीका होती है, हर एक बच्चे का यहाँ पे निकालने का यूनिक तरीका होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, an पूछ रहा है, ठीक है, an नहीं n पूछ रहा है, और an का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d होता है। अब देखिए an यहाँ पे तो दिया गया है कितना है 205 है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 205 इसको कर देंगे, a का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया गया, प्लस यहाँ पे कर लेंगे, n का वैल्यू आपको निकालना है और 1 का 1 कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग का यहाँ पे जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो D निकालना है, तो D का मान क्या हो जाएगा 13 में से 7 चलेंगे, क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घट जाता है तो वो D का मान आ जाता है, तो यहाँ पे 13 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको ध्यान से आप इसे सॉल्व कीजिए, अब देखिए जब इसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो एक तरीका यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा 205 बराबर हो जाएगा 7 रहने देते हैं अभी, और प्लस यहाँ पे n में 1 6 से गुणा करते हो जाएगा 6n, और उसके बाद से 1 में -6 से ये 6 से गुणा कर देते हो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे अब ये जो है आपका 7 प्लस में और ये माइनस में है, इसका मतलब यहाँ पे अब 1 हो जाएगा, 7 में से 6 चला जाएगा 1 बचेगा, अब जब ये 1 बचेगा तो 1 को अभी इस तरह परीक्षांतित करेंगे तो 205 में एक घट जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा, यानी कि 204 बराबर हो जाएगा 6n, और जब इसे हम लोग कटाएंगे 204 को भाग देंगे किससे, आपको 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 34, ठीक है, देखिए ये भी बी नंबर ही आंसर आया, ठीक है, यानी कि अधिकतर इसमें देखिए बी नंबर ही आंसर आ रहा है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, तो इस तरीके से समझ रहेगा आपका जाकर के काफी बढ़िया रिजल्ट आएगा, और देखिए यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11, .. का एनवा पद आपको यहाँ बताना है, ठीक है, क्या बताना आपको यहाँ पे आपको एनवा पद बताना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, a + n - 1 × d का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, a + n - 1 × d का यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा दीजिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे दिया गया है a का वैल्यू, उसके बाद n आपको निकालना ही है, 1 to 1 यहाँ पे रहने देंगे, d का वैल्यू यहाँ पे 5 में से नहीं दिया हो जाएगा, क्या जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से करेंगे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका 3 में से 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 2n प्लस का 1 हो गया, ठीक है, 2n प्लस 1 हो गया। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया 2n प्लस 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो देखिए काफी इजी है, बस आपको देखने से लगता है कि काफी कठिन है, लेकिन जब उसको बताया जाता है पढ़ाया जाता है उस ढंग से तो आपको समझ में आता है हाँ यार काफी इजी है, तो आप उस ढंग से पढ़िए, इसलिए तो नंबर 1 चैनल बना हुआ था ये चैनल, तो आप लोग इस चैनल से बेहतरीन कार्य कीजिए, जो डाउट्स होता है नीचे कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कि बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस आपको रूट लगा देना होता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना होता है, जैसे कि 4 का स्क्वायर आपका क्या होगा 16 हो जाएगा, 3 का -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, आज 16 9 कितना होता है 25, 25 होता है, 25 को आप बाहर कर दीजिए रूट से कितना हो जाएगा 5, आपका आंसर आ गया 5, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कितना इजी है, आप इजी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, किसी भी चीज में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर क्या कह रहा है 65 डिग्री, आप प्लस में यहाँ पे कह रहा है कि साइन स्क्वायर जो है 25 डिग्री का जो वैल्यूज होता है वह क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप लोग निकालना चाहते हैं तो साइन 90 - थीटा जो होता है उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या आपको याद करके रखना है अगर इस तरीके से कहीं भी क्वेश्चन होता है तो उसका वैल्यूज 1 ही आता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वह आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अधिकतर यहाँ पे 1 होता है, निकालिएगा तब भी यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए
तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे में टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बिंदु 3.0 एवं -5.4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक याद करने के लिए क्या, देखिए इसमें का पहला, इसमें का पहला, दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दीजिए, जैसे कि 3 है यहाँ पे, माइनस का 5 है, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 3 है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, एक बिंदु ये निकल गया। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें का पहला और इसमें का पहला जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे प्लस में 3 है और यहाँ पे माइनस में 5 है, कितना बचेगा, माइनस का 2, अब माइनस 2 में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद से इसमें का पहला, इसमें का दूसरा और इसमें का दूसरा जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो 0 और 4 कितना होगा, 4, और 4 बटे 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2, ठीक है, तो यानी कि -1.2 हो जाएगा आंसर। तो -1.2 कहां पे, देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी बी आपका हो गया, यानी कि अधिकतर यहां पे ऑप्शन बी ही सही हो रहा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और आपका ये फॉर्मूला बताता है कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, बात एक ही है, इसको फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, दोनों में का आपको जोड़ के 2 से भाग दे देना है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है काफी इजी क्वेश्चन है कि बिंदु -3.5 का भुज क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 होता है, एक होता है भुज, एक होता है कोटि, तो जो पहले वाला होगा वो भुज होगा, जो बाद वाला होगा कोटि होगा, तो -3 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, तो यानी कि क्या है ये भुज, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी, देखिए ये भी बी हो गया, ठीक है, यानी अधिकतर बी आंसर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जाकर के फटाफट तरीके से आपको आंसर यहाँ पे लगा करके चले जाना है, उसके बाद आपको लगातार आपको एकदम कठिन परिश्रम करना है, ठान लेना है, मां सरस्वती का नाम लेना है और जबरदस्त तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक क्या होंगे। देखिए चतुर्थांश आपको 4 होते हैं, ठीक है, एक प्लस प्लस होता है, एक माइनस प्लस होता है, एक माइनस माइनस होता है, एक प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश, देखिए पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तो दूसरा में माइनस प्लस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पे भी आपका बी नंबर ही हुआ है आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन तो वो आपको ट्रिक है, ये है मेथड है, आपको तो याद होगा वो सारी चीजें, ठीक है, कि कौन से पाद में क्या होता है, आपको एक बार याद दिला देते हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रथम की बात करता है, यहाँ पे आपको 4 जो पाद या चतुर्थांश होते हैं, तो पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में आपका प्लस प्लस होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, काफी बढ़िया प्रश्न है, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज यार लाइक करो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, भूल करके भी चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से, जो बच्चे नहीं किए हैं वही बच्चे। अगला कि किसी त्रिभुज के शीर्षकों का ये नियामक दिया गया है यहाँ पे, और तो इसके केंद्र का नियामक पूछा है। देखिए जब केंद्र का नियामक पूछेगा तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि सब में से पहला 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 जोड़ करके आपको 3 से भाग दे देनी है, जैसे कि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे आपका 5 है, तो यहाँ पे बचेगा 2 और 2 और उसके बाद से माइनस का यहाँ पे 8 है, तो 2 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से भाग दे देना, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, क्या करना है, जब भी आपको केंद्र का नियामक पूछेगा तो सब में का पहला जोड़ किया 3 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बिंदु निकल गया, दूसरा निकालने के लिए फिर दूसरे में जो दूसरा है सब में का दूसरा जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए, तो 0 -2 कितना हो जाएगा, -2, और -2 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 3, तो 3 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1, यानी कि -2.1। देखिए यहां पे भी बी नंबर ही आंसर आया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम सभी का यहां पे क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का वैल्यूज क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चित्र बना देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए आपका एक चित्र बन गया, यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी। ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो हम नंबरिंग किए थे वो गलती कर दिए थे, ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो ए, ये बी और सी, ठीक है, क्योंकि कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया गया, ठीक है, इसलिए ये लिखने में थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया, क्योंकि कोण सी दिया गया था, कोण सी बराबर 90 है, तो यानी जब कोण सी 90 दिया गया तो हम सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये दोनों मिलाकर के कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री का बनाएगा यानी कि कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा समझिए, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यूज कितना होता है, बिल्कुल 0 होता है, क्या हो जाएगा, 0 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस तरीके से समझिए, ज्यादा दिमाग लगाने के, ज्यादा माथा पीछे करने के जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, यहां पे देख सकते हैं जब एक आपका 90 डिग्री दे दिया है तो दो मिला करके 90 होगा, इसका मतलब cos 90 हो गया, तो cos 90 का वैल्यू ही 0 होता है, तब आंसर हो गया 0, बस काफी इजी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन हमसे भी कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 28 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, तो व्यास करेंगे तो त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, यानी कि 14 दुनिया 28 होता है, क्या होगा आपका आधा हो जाएगा, त्रिज्या आपकी निकल गई, और इसकी परिधि क्या होता है 2πr होती है, ठीक है। तो 2 × π का वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, आर के बदले 14 निकल गया, तो 7 × 14 = 22 × 44 = 88 कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए अब ये भी ऑप्शन नंबर आपका बी ही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी लंबी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त हो गया, ठीक है, यहां पे देखिए एक वृत्त बना देते हैं, ये गड़बड़ कैसे बना दिया जी, है ना, ये आपका वृत्त हो गया। चलिए, और यहां पे सबसे बड़ी जो होती है वह वृत्त की जो जीवा होती है वह क्या कहलाती है, वह व्यास कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, वह व्यास कहलाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी नंबर। ये तो याद करने वाली छोटी छोटी ट्रिक ये चीज है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा, यहाँ पे कह रहा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होता क्या होता है, तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं 1 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिए ये भी आपका बी नंबर ही आया, मतलब अधिकतर बी नंबर आ रहा है, ठीक है। अभी तक प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो आगे से वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि टेन यहाँ पे दिया गया है 35 डिग्री, ठीक है, बटे कॉट यहाँ पे है 35 डिग्री, ठीक है, प्लस कह रहा है कि कॉट यहाँ पे 78 डिग्री और टेन यहाँ पे दिया गया है 12 डिग्री, ठीक है, इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसको आप कटाएंगे, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा, और फिर इसका निकालेंगे तो 1 होगा, यानी कि दोनों का क्या होगा, एक एक 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये अच्छा आपको हमने ऊपर ही बताया कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका 1 होता है, लेकिन इसमें 2 दे दे के बीच में प्लस दिया गया है, इसका मतलब इसका एक 1 होगा, इसका एक 1 होगा, तो दोनों का 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए बटे बी है तो कॉस थीटा निकालिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, और इतनी छोटी छोटी चीजें में बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा गलती नहीं होगा। कह रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर ए बटे बी है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, यही होता है ना साइन थीटा में, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब आधार नहीं ज्ञात हुआ है, यहाँ पे आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है, आप सभी कहता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस की ये लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, यानी कि बी, तो बी के स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आधार निकल गया, ऑटोमेटिक निकल गया, ठीक है। अब चलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हम लोग का यही होता है कि आधार स्क्वायर, ये आधार बट्टे की कर्ण होती है, तो आधार क्या निकल के आया अभी, बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, बट यहाँ पे आपका होनी चाहिए कि अब नीचे क्या होता है, इसका कर्ण होता है, कर्ण क्या दे दिया गया, तो बी दिया गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी बी हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे की बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कॉट थीटा का वैल्यूज क्या होगा। यहां भी देखिए आपको कर्ण, यहाँ पे आपको आधार निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे साइन में दिया गया, तो साइन में लंब बटे आधार दिया गया, ये लंब बटे कर्ण दिया गया, आधार निकालिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर होने क्या हो जाएगा √3 हो गया, किसका आधार हो गया। अब कॉट थीटा पर क्या होता है, आधार बटे की लंब होता था, आधार क्या है अंडर रूट 3, ठीक है, अभी निकाले हमने, उसके बाद से आधार बटे की क्या होता है, लंब होता है, तो लंब यहाँ पे क्या 1, यानी कि अंडर रूट 3/1 क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर क्या, देखिए ए भी बी ही आया यार, क्या बात है, ऑप्शन नंबर जो है वह बी नंबर ही इसका आया। बात करते हैं अगले नवा प्रश्न की, अगला नवा प्रश्न जो है वो हम सभी का क्या कह रहा है, अगला नवा प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है, कह रहा है कि √3 tan 2θ = 3 दिया गया है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, √3 tan θ = 3 दिया गया है। अब देखिए तो कह रहा है थीटा का वैल्यूज क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, तो यहां पे ध्यान देंगे आप, अच्छे तरीके से समझिएगा इसको, कह रहा है कि √3 tan 2θ = 3, तो tan 2θ बराबर क्या होगा 3/√3, जब इसके 3/√3 को कटाएंगे तो ऊपर √3 हो जाएगा, ठीक है, आप इसका परिमेयकरण करके भी कटा सकते हैं, तो वही आएगा, इसको भी कटाएंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, यानी कि √3 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे tan 2θ बराबर यहाँ पे हो गया √3, तो tan 60° का जो वैल्यूज होता है वो कितना होता है √3 होता है। अब यहाँ पे tan से tan कट गया, अब 2θ बराबर बच गया 60° और थीटा बराबर क्या होगा 60/2, यानी कि हो जाएगा 30° तो 30° कहाँ, देखिए ऑप्शन बी नंबर, ये भी आपका बी नंबर ही है। देखिए कौन ये सेट किया है यार कि ऑप्शन बी नंबर ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर कह रहा है कि सेक 90° θ जो होता है किसके बराबर होता है, सेक 90° θ किसके बराबर होता है, तो कोसेक थीटा होता है, ये भी आपका बी नंबर ही आंसर होगा, ठीक है, क्या हो गया आपका बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो गया। अगला देखिए, अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है
कि आर त्रिज्या वाले कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त में त्रिज्या थीटा थीटा डिग्री के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सभी कहता है पाई बटे 360 गुणे यहाँ पे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो कैपिटल कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, बटे 360 होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की जगह कैपिटल आर है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न, अगले नया प्रश्न की, अगला नया प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 9:4 दिया गया तो उसके परिधियों का अनुपात क्या है, तो इसमें आपको कुछ सोचने के, आप दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, और 4 का क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक है, ये होगा 2, ठीक है, 4 का, तो यानी कि 3:2 हो जाएगा। बस कितना सिंपल है, देखिए सिंपल तरीके से पढ़िएगा तब तो मजा आएगा और आपका समय बचेगा। देखिए नहीं तो देखिए गणित में अक्सर बच्चे यही कहते हैं सर बना तो हम सब देते लेकिन समय ही नहीं रहा, तो समय इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने छोटे छोटे क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसेस से समझना शुरू कर दिया, इसमें आपको ट्रिक यूज की जाती है, ठीक है, और जो आपको आपको बता रहे हैं छोटा छोटा फॉर्म में उसी तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 ऊंचाई 12 है तो उसके वक्र पृष्ठीय, यहाँ पे देखिए पाई आर एल होती है, लेकिन यहाँ पे एल का वैल्यूज यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो एल का वैल्यू आप सभी को पता है निकालने के लिए, बिल्कुल एल का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल, तो फटाफट तरीके से एल का वैल्यूज आपको निकाल देना है, दोनों का स्क्वायर आपको कर देना है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई यानी कि एच का स्क्वायर होता है एल आता है, तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 144, ठीक है 144 हो गया, अब क्या हो गया ये 69 हो गया आपका, 69 का वर्ग ये वर्गमूल निकालेंगे क्या होता है 13 हो जाएगा, यानी कि L का वैल्यू जो होगा वो 13 निकल करके चला आया, जब L का वैल्यू 13 निकल के आ गया तो पाई का पाई रहने दे क्योंकि पाई में ही सब आंसर दिया गया, अब देखिए पाई मत बदलने लगेगा बाद में कहेगा ओहो पाई तो पाई पहले दिया गया है फिर बात दोबारा गुणा नहीं, पहले ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए क्या दिया गया, तो पाई में दिया पाई को पाई रहने देते हैं, पाई आर एल तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है और एल का वैल्यू 13 तो 13/25 कितना होता है 13/25 65 तो 65 पाई आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर देखिए ये भी आपको बी नंबर ही दिया गया है, ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वह कितना होगा, क्या कह रहा है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, संपूर्ण क्या होता है 6a² होता है यानी कि 6 × भुजा² तो 6 × भुजा, भुजा कितना गया 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर करेंगे ये 25 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है तो आपको इसका जब इसको आपको क्या करना है 6 × 25 25 यानी कि 6 × 25 से गुणा कर दीजिए, ठीक है और जो आपका आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आपका नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन केवल आपको गुणा कर देनी है, अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है और ध्यान दीजिए कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है ऐसा नहीं यहाँ पे पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का आपका योग क्या होगा, ठीक है तो इसको देखिए ज्ञात करने के लिए आपको जब विषम आपको दे देता है तो आपको देखिए इसको दोनों का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा या फिर एसएन के फॉर्मूला से निकालेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है तो ऐसा इसको स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट ही, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 तो 400 आपका आंसर हो जाएगा, बस आपका एक ट्रिक है कितना हो जाएगा 400 आपका आंसर हो जाएगा, आप निकालना चाहते हैं तभी आप निकाल भी लेंगे तो अभी एसएन का फॉर्मूला से अगर आप निकालते हैं तब भी उतना ही आएगा यार, ठीक है तो ऐसा कीजिए कि आप छोटा छोटा मतलब ट्रिक यूज करके आप समय को बचाइए क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यार आपके लिए एग्जाम में, तो समय को ही बचाना है गणित के पेपर में समय तो बचाना ही बचाना है क्योंकि समय इसमें अगर आपका इसी में ऑब्जेक्टिव में ही चला जाएगा तो समझिए आप आगे की पेपर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव दे देता है तो 100 को भी आपको चेक करना है क्योंकि हो सकता है बनाना तो 50 ही है लेकिन आपको तो चेक करना है 100 को सॉल्व किया तब तो 50 को आपका एनालिसिस कीजिएगा कि हाँ हमको 50 कौन कौन बना सकते हैं तो समय ज्यादा लग जाता है, काफी बार बच्चों का कंप्लेन यही आता है। अगला क्वेश्चन है कि 2, 5, 7, 3, 6, 8, 6, 3 का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है जो रिपीट हुआ हुआ रहता है तो रिपीट इसमें कौन हुआ है ऑप्शन नंबर बी हुआ है यानी कि 3 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का समानांतर माध्य क्या होता है, तो समानांतर माध्य आप सभी जानते हैं कि ए प्लस बी बटे 2 होता है, ठीक है तो ए प्लस बी बटे 2 कहां पे देगा ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया, देखिए इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यान देकर याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भ्रमणता सारणी का माध्य और बहुलक जो है वह 28
ओवर 16 है तब इसका माध्यिका क्या होगी। अब देखिए आप सभी को पता होने चाहिए कि इसका एक यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका माध्यिका माइनस 2 × माध्य, ठीक है, माध्य। तो यहाँ पे बहुलक मान दिया गया 28, ठीक है, ये 16 और 28 तो माध्य दिया गया है। तो यहाँ पे 16 बराबर 3 × माध्यिका, माध्यिका का हम लोग एम सूचित कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए 2 × माध्य, माध्यिका मान कितना है यहाँ पे 28 है, ठीक है। तो 28 × 56 हो जाएगा, 56 को क्या कर देगी इस साइड भेज देते हैं, तो 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 56 बराबर 3 m, ठीक है, यानी कि 3 × माध्य हो गया। अब देखिए अब इसको जोड़ करके या 3 से भाग दे देना है, बस जोड़ के जैसे ही आप 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह निकल करके क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 24 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। आप जोड़ करके भाग इसको दे लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए हम सभी का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या है। इसका भी देखिए ट्रिक है, आप इसको भी आप जिस मेथड से आप पढ़े उस मेथड से बना सकते हैं, जो आपको ट्रिक बता दे तो उसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले और एक भी आपको वीडियो नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं बताते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ये सारा का सारा हमने आपको पहले बताया है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसे अवरोही या आरोही दोनों क्रम में आपको किसी भी क्रम में आपको साझा लेना है, मतलब कि घटते क्रम चाहे बढ़ते क्रम में साझा लीजिए। तो सबसे पहले हमको 1 लिख लेना है, उसके बाद से यहाँ पे 2 होगा, उसके बाद से यहाँ पे 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर यहाँ से 6 होगा, और फिर यहाँ से आपका 7 होगा, फिर यहाँ से आपका 9 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, ये अंक दिया गया 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1, इसको आपको बढ़ते क्रम में आपको सजा लेना है, ठीक है, या फिर घटते क्रम में, जो भी क्रम में सजाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आपका ये कितना अंक है बाबू, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक है, 7 अंक है। तो क्या करिए आप, 3 आगे से और 3 पीछे से दोनों को छोड़ दीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये 3 हो गया यहां तक और ये आपका 3 होगा यहां तक, बच क्या रहा है 5, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये ट्रिक होता है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, ठीक है, 1/2 × n वां पद वाला से फॉर्मूला से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि किस निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 4, कौन सी घटना की प्रयक्ता नहीं होती। देखिए प्रयक्ता क्या होती है, प्रयक्ता का तो यही रूल होता है वो 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, इससे ना ज्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है 1.5, यानी कि यह 1 से ज्यादा है, यानी कि डेढ़ हो गया है, ये होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ए नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि निश्चित घटना की प्रयक्ता बाबू क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रयक्ता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रयक्ता क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे निश्चित घटना की प्रयक्ता क्या होती है, 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया आपका, ए नंबर जो होगा वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसको बताएंगे नहीं, आपको बताना है, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, सर बता देते हैं, आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए, ठीक है, कंजूसी नहीं यार, प्लीज मार सरस्वती के नाम लीजिए। अगर आपने माता पिता का सम्मान करते हैं, चाहते हैं कि आपका माता पिता आपका नाम रोशन हो, तो प्लीज आप मेहनत कीजिए, मेहनत में जुट जाइए, हमारे तरफ से पूरी तरीके से मेहनत है आपके लिए। क्वेश्चन है कि एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, पिघला करके ठोस बेलन बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको दोनों का आयतन निकाल करके बराबर कर देना है। क्या करना है, छोटा सा आपको काम करना है कि दोनों का आयतन, यानी कि एक ठोस गोला है, गोला का आयतन और आपकी एक बेलन का आयतन, दोनों का बराबर जब करेंगे तो उसमें एच का वैल्यू आपको निकल करके ऑटोमेटिक चला आएगा। देखते हैं कि कौन बच्चे नीचे कमेंट करके हमें बताते हैं बिल्कुल इसका राइट जवाब, ठीक है। वैसे आपको बता देते हैं, देखते हैं कौन कौन सही इसका कर पाते हैं, ठीक है। इसका आपको आंसर 12 आएगा, ठीक है, जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको सारे का सारा क्वेश्चन बताएंगे ये सर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन से जमीन पर की छाया जमीन पर की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर, देखिए ये आपका एक त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई उसकी जमीन की छाया, यानी कि ये कह रहा है कि लंबाई बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अरे यार तो 45 डिग्री होगा तभी ना होगा, क्योंकि टेन में होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार होता है, तो यहाँ पे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया,
ठीक है। और उसके बाद से कह रहे हैं कि बराबर होगा, तो बराबर तब होगा जब यहाँ पे दो अगर वन आता है तो टेन पैंतालीस में ना वन आता है, यानी कि टेन पैंतालीस का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी, ए बी का मशा क्या होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको कल शायद बताए थे, कल या परसों बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताते हैं आपको, एक आएगा। कैसे आएगा कि दो तरीका है, यहाँ पे ए और बी का वैल्यूज ही आप रख के बना सकते हैं अभाज्य संख्या, या फिर ए और बी मान लीजिए अभाज्य तभी आपका आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि तीन और पांच आपका एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तीन और पांच आपका एक अभाज्य संख्या है, तो इसका जब आप मोशन निकालिएगा तो क्या होगा, यह इसका यह वन और इसका थ्री, इसका ये होगा आपका गुणनखंड होगा, इसका वन और फाइव होगा, मैच क्या करेगा, वन ही करेगा, आपका मशा क्या है, हमेशा वन ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। तो आप आपको बताना चाहेंगे कि आपके एग्जाम में 100 गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 जवाब देना है, ठीक है। तो आप सेंटर परीक्षा में 50 का सही सही जवाब देकर के आप आ जाइए, ठीक है। और आपको बता दें इसके आगे का जो आंसर है आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेगी, क्योंकि गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और इसके सर्च बार में ध्यान दीजिए क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है वही आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा फटाफट देख सकते हैं यहां पे आ चुका है DLS एजुकेशन ऑफिशियल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले ही आ चुका है 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की डाउनलोड 2022 के लिए, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है, इसके आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आ चुका है, यहां पे आपको बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ गाइडलाइंस भी दिया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे डाउनलोड के लिए यहां पे लिंक दिया गया है सभी सब्जेक्ट का, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कि साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, सोशल साइंस का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, ठीक है, इंग्लिश का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप साइंस पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, तो साइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फटाफट तरीके से देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, और यहां पे देखिए यहां पे आंसर की आ चुका है, देख सकते हैं यहां पे शानदार तरीके से इसका आंसर आ चुका है कि एक का बी, दो का डी, ठीक है, तीन का सी, चार का ए, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पेपर सबका एक ही है, बिहार के किसी भी जिले से आप परीक्षा देने वाले हैं किसी भी विद्यालय में, तो यही आपका रहेगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला अगर दूसरा जो है यहां पे सब्जेक्ट की प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ पे क्लिक करते हैं तो मैथ के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो मैथ का देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, गणित का यहाँ पे आ चुका है, पूरा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और आगे आने वाली जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारा का सारा बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।